कुख्यात अपराध कर्मी राम रतन पांडे उर्फ ददवा, पिता वाल्मीकि पांडे, साकिन कर्णपुर थाना लक्ष्मीपुर जिला जमुई, जिनके ऊपर कई गंभीर मामले, हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्व में इन्हें देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा जमुई पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेशी के दौरान दिनांक 28 सितंबर 2022 को लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 111-21 के कैदी स्कॉट में लगे सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए ये कोर्ट कैंपस से भाग निकले थे। तत्पश्चात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हेतु मेरे निर्देशानुसार राकेश कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई के नेतृत्व में राजीव कुमार तिवारी SHO जमुई, जितेंद्र कुमार खैरा थाना, SHO लक्ष्मीपुर राजाराम शर्मा एवं DIO की टीम के साथ छापेमारी की जा रही थी। उक्त टीम द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के फरार होने के दिन से ही उसकी गिरफ्तारी हेतु तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर निरंतर अन्य जिलों और राज्यों में छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में सूचना मिली कि उपरोक्त फरार अपराधकर्मी पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले के कुल्टी थाना अंतर्गत चीनाकुरी में रह रहा है तथा जमुई में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में लगा हुआ है। उक्त सूचना के आलोक में दिनांक 18 नवंबर 22 को उपरोक्त टीम के सदस्यों के द्वारा पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में छापेमारी कर आसनसोल पुलिस की मदद से उपरोक्त फरार अपराधकर्मी को पकड़ा गया। रामरतन पांडे उर्फ ददवा को कोर्ट कैंपस से भाग जाने के बाद इनकी गिरफ्तारी जमुई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इनकी गिरफ्तारी से ही जमुई पुलिस के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है। जमुई पुलिस के वांछित अभियुक्त कहीं भी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता, रामरतन पांडे उर्फ ददवा, पिता वाल्मीकि पांडे, साकिन कर्णपुर। इनका आपराधिक इतिहास, लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 111-21, धारा 399-402 भादवी एवं आर्म्स एक्ट, लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 15-19, धारा 392 भादवी, लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 50-19, धारा 25 आर्म्स एक्ट, लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 99-20, धारा 447, 341, 323, 354 IPC, लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 173-20, धारा 341, 323, 504, 506, लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 436-20, धारा 147, 148, 342, 307 एवं आर्म्स एक्ट, जमुई थाना कांड संख्या 503-22, धारा 224, 255, 120 भी। अन्य राज्य झारखंड के देवघर जिले में भी ये वांछित अभियुक्त हैं। टीम में शामिल सदस्य SDPO जमुई, SHO जमुई, SHO लक्ष्मीपुर, जितेंद्र कुमार खैरा थाना, DIU तकनीकी शाखा एवं थाना के सशस्त्र बल। टीम में शामिल सभी सदस्यों को पुरस्कृत किया गया। ये वहाँ पे अकेले था, अपने परिजनों के पास ये छुपा हुआ था वहाँ पे। उस संबंध में भी हमने जो आसनसोल पुलिस से उसको एक लेटर में ये बता दिया है कि अन्य जो लोग हैं उनके संबंध में भी अगर आपको आवश्यक कोई उनका आपराधिक इतिहास दिखता है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पे और जो भी इसमें शामिल थे जिन्होंने इसकी मदद की उनको भी हमने चिन्हित करके उसमें से भी एक दो व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा था। कई मोबाइल्स यूज़ किए जा रहे थे उन्हीं से, और यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल इफेक्टिव टीम है DIU की, जो लगातार जितने भी फरार अभियुक्त हैं उनका हम लोग नंबर सर्वेलेंस पर रखते हैं। तो जिनका भी नंबर रात में बैठ के लोग सभी नंबर्स को चेक करते हैं, उनमें जो इनके जो यूज़ नंबर्स थे वो मोबाइल में एक नया नंबर हम लोग को मिला जो यूज़ किया जा रहा था, उसको पिछले 6-7 दिनों से हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे कि किस समय ये एक्टिव होता है, कब ये आपको किससे बात करते हैं। तो जो भी हमने चेक किया तो इनके परिजन का भी उसमें नंबर आ रहा था, तो हमें यह मतलब ये श्योरिटी आ गई कि ये इसी का नंबर है, यही आपको छुप के अपना बात कर रहा है। इनका लोकेशन जो आ रहा था वो चीनाकुरी में आ रहा था आपको आसनसोल में, उसी के तहत हमने आसनसोल में जो DCP वेस्ट हैं श्री अभिषेक मोदी IPS 2011 बैच, उनसे संपर्क साधा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी जो DIU की टीम है उसको इसमें लगाएं, और हमारी टीम वहां पे गई, दोनों ने आपको आपस में जो भी सोर्स प्लान किया, और उसके बाद इन लोगों ने उस घर को घेर लिया रात में लगभग 11 बजे के अराउंड, और उसके बाद लोकल थाना को वहां पे बुलाया गया और इसको हम लोगों ने इसको अंजाम दिया। इस जो आपको उपलब्धि है इसमें हमने यह भी कोशिश की कि सिवाय SHO लक्ष्मीपुर के बाकी किसी भी अन्य लोगों को, ताकि देखिए थाना में कई चीज़ों का आपको जो गोपनीयता होती है वो भंग होने का आपको डर रहता है, हमने इसको सेपरेट वे में इस अपराधी को पकड़ा है। लोकल पुलिस का उपयोग नहीं करते हुए सेपरेट वे में हमारी टीम ने मेरे निर्देशानुसार और SDPO जमुई है इनके निर्देशानुसार इनके साथ भेज के हमने इस टीम को कोई गिरफ्तारी की। सर लगभग जो किस तरह के संगीन मामले में सर ये वांछित था सर, ये थोड़ा सा देखिए, ये इनका जो इनकी उम्र है लगभग 21 साल, अभी इनसे हमने पूछा है तो इनकी उम्र 21 साल है। इस संबंध में पूर्व में भी मैंने आप लोगों को कहा है कि जो नए नवयुवक हैं वो भटकते जा रहे हैं, तो इनका आपको ये वांछित अभियुक्त देवघर में भी आपको लूटकांड में थे और देवघर से इनकी गिरफ्तारी हम लोग जो जमुई पुलिस थी वो भी छापेमारी कर रही थी। देवघर पुलिस ने भी गिरफ्तारी इनके बाहर राज्य में ही किया था, चाहे पश्चिम बंगाल में ही किया था।
तो इसी तहत ये यहाँ पे आए थे और ये भाग गए थे। और मुझे लगता है कि अगर इनके फरार रहने से, जो इनका एक इंटर गैंग रेवलरी है जिस संबंध में आपको बताना उतना नहीं बता सकता, लेकिन उसकी हमें सूचना थी कि आगे जाके अपने इंटर गैंग रेवलरी में कुछ ऐसा काम करते जिसके तहत हमने जो भी इसमें शामिल अन्य जो जेल के अंदर से भी जो अभियुक्त है उनका भी हमने जेल ट्रांसफ़र करने के लिए भी प्रस्ताव बढ़ाया, जो प्रस्ताव अप्रूव हो गया इसको लेकर। यस,